नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ अचीविंग सरोज। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। तो इस न्यू ईयर में मैंने घर में ही केक बनाया था, तो सोचा कि वो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो इसी केक की रेसिपी आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये एक वाला केक है जिसमें हमें एक की ज़रूरत है, विदाउट एक का केक भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। तो इसके लिए हमें चाहिए दो एग्स। अभी फ़िलहाल मैं दो एग्स का मेज़रमेंट लेके ही आपको बताऊंगी। अगर आपको बड़ा केक बनाना है तो जो मेज़रमेंट हम बता रहे हैं उसके हिसाब से आप सब कुछ डबल करवा देंगे, मतलब दो एग्स की जगह अगर आप चार एग्स का बनाना चाहते हैं तो सब कुछ डबल करेंगे। तो हमने ले लिए है दो एग्स, उसको हमने मिक्सी के बाउल में फोड़ लिया है और उसमें मिक्स करूँगी मैं एक बाउल मैदा। ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है मैदा इसमें। तो हमें एक एक बाउल ही मेज़रमेंट लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। जिस कटोरी से आप मेज़रमेंट लेंगे वही कटोरी आप सब चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे मेज़रमेंट लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डाला है एक कटोरी मैदा। फिर उसके बाद मैं डालूंगी उसी कटोरी से, उसी बाउल से एक कटोरी पीसी हुई शक्कर। हमें शक्कर को पीस लेना है क्योंकि हम जैसे कि वैसे डालेंगे तो वो मिक्सर में बारीक नहीं हो पाएगी उस मतलब मिक्सर में, तो इसलिए हमें पहले उसे उसका पाउडर बना लेना है। और हम पाउडर को यहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि वो ईजीली घुल जाए, मिक्स हो जाए। तो हमें लेना है एक कटोरी शुगर पाउडर। फिर उसके बाद मैं लूँगी तीन बड़े चम्मच ऑयल। वैसे तो 3/4 कटोरी हमें बाउल मतलब ऑयल लेना है, ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। ऑयल अगर कम रहता है तो मतलब वो उसका केक का इंग्रेडिएंट मतलब केक का मेज़रमेंट बदल जाएगा। तो केक हमें चाहिए ऑयलीनेस के लिए, तो ऑयल हमें यहाँ पे ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे तीन बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है, वो भी उसमें ऐड किया। सब करूँगी एक इसमें ऐड, मैंने एक ही मिक्सी में सब कुछ ऐड कर दिया है। अब इसको मैं बारीक करवाने से पहले मतलब इसके पेस्ट को मैं मिक्सर में लगाने से पहले मैंने गैस पे चढ़ा दिया है एक बड़ा सा कढ़ाई, ताकि उसमें मैं बनाऊंगी केक। और उसमें भी रख दिया है मैंने स्टैंड, ये तब तक गर्म होंगे तो उस तब तक हम मिक्सर में से ये मिश्रण निकाल लेते हैं। तो इस पेस्ट को हमें तब तक मतलब मिक्सर में करना है जब तक बबल्स हमें दिखाई ना दे। आप इसको मिक्सर में जब घुमाएंगे तो आपको छोटे छोटे या फिर छोटे बड़े ऐसे बबल्स दिखाई देंगे, तब आप समझेंगे कि हमारा मिक्सर रेडी हो गया है। अब हमारा जो मिश्रण है वो अगर थोड़ा सा थिक आपको दिखाई देता है तो उसमें हम ऐड करेंगे एक बाउल या फिर एक छोटी कटोरी दूध। दूध को हमें इसमें ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है, तब तक मैंने यहाँ पे बड़ा सा बड़ी कढ़ाई भी रख दी है गर्म होने के लिए। तो मैं अब कर लूँगी ग्रीस। तो मेरे पास ओवन का कोई भी मतलब यूटेंसिल्स नहीं है, मैं घर में हम घर के सामान यूज़ करके ही घर में केक बना सकते हैं ईजीली। ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे पास अगर ये चीज़ नहीं है तो हमारी कुछ चीज़ें रुक जाती है, जो है उसमें हम बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कुकर का एक डिब्बा यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हो। उसको मैं अच्छे से ऑयल लगा दूँगी क्योंकि हमें इसमें केक का मिश्रण डालना है। और फिर मेरे पास बटर पेपर तो है था नहीं, आपके पास भी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे और उसकी हेल्प से उसको कोटिंग कर लेंगे ताकि हमारा जो केक है वो आसानी से निकल जाए। तो इस तरीके से मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे मैदे का जो कोटिंग है वो लगा दिया है और एक्स्ट्रा मैदा हम बाहर निकाल देंगे। ध्यान रखेंगे हम मैदे का ही हमें यहाँ पे कोटिंग लगाना है, कोई डरने की बात नहीं। अगर हमारे पास बटर पेपर नहीं है या फिर केक बनाने का यूटेंसिल्स नहीं है या फिर पॉट नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, हम घर में इजी वैसे केक बना सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा वो भी रेडी हो गया। अब मैं डालूंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट दो चीज़ें। तो हमें डालना है
टू स्पून बेकिंग पाउडर और एक छोटी सी पिंच भर या फिर छोटा सा बहुत ही कम थोड़ा सा पिंच हमें डालना है बेकिंग सोडा। फिर से बताऊंगी, बेकिंग सोडा का मेज़रमेंट कम रहेगा, बहुत ही कम पिंच में रहेगा, और दो चम्मच आप बेकिंग पाउडर डाल सकते हो। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर अपना मिश्रण ठीक हुआ है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो मिल्क। मिल्क आपका पका हुआ रहा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पका हुआ मिल्क ही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैंने एक बाउल यहाँ पे डाल दिया था मिल्क, और अब मेरा रेडी हो गया है मिक्सचर। और अब मैं इसे डालूँगी अपने मतलब जो मैंने बर्तन लिया था कुकर का डिब्बा जिसमें मैं केक बनाने वाली हूँ उसी में मैंने ये डाल दिया है। आप देख सकते हो मैंने ना बटर पेपर लिया है ना मैंने केक के लिए कोई अलग सा पॉट यूज़ किया है। मैं सिंपल अपने घर में अपने कुकर के डिब्बे में केक बना रही हूँ। अब गार्निश करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी टूटी फ्रूटी चेरी, आप यूज़ कर सकते हो, या फिर वो स्प्रिंग होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, 20-20 रुपए की छोटी छोटी बॉटल्स आती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी का यूज़ किया है, अलग अलग कलर की टूटी फ्रूटी मैंने यहाँ पे यूज़ की, और इस तरीके से अब मैं उसे रख दूँगी बड़े से कढ़ाई में। नीचे मैंने लगाया है स्टैंड, हमें इसमें ना पानी डालना है ना हमें कोई सैंड डालनी है, कोई भी नहीं, इसको किसी बात की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको उसे थोड़ा सा पहले रखना है ताकि वो गर्म रहे, और अब हम उसके ऊपर प्लेट रख देंगे। और आपको धीमी आंच पे उसे पकाना है क्योंकि हमने पहले ही उसे गर्म होने के लिए रख दिया था, तो आपको फुल फ्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। धीमी आंच में आप उसको आधा घंटा रहने दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा चेक कर लीजिए, अगर नहीं पका होगा तो आप फिर से उसे थोड़ा सा होने दीजिए, और बाद में आप इजी वे में आप अपना केक रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा केक यहाँ पे रेडी हो गया है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, और आप कभी भी किसी भी समय इसे बना सकते हो, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसे आप अपने नाश्ते में, टी टाइम, कॉफ़ी के साथ कभी भी खा सकते हो, और कभी भी अपने घर में केक बना सकते हो। तो ये मेरी केक की रेसिपी आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय फ्रेंड्स। वर्ती कर फोकस एकदम आंटी लेकर हाँ कला का मतलब